नमस्कार दोस्तों, क्या सच में जियो का जो नया ऑफर है जियो धन धनातन ऑफर पुराने कस्टमर्स के लिए रखा गया है? जैसे कि बात करी जाए तो जियो एयर फाइबर से रिलेटेड बात करें या जियो फाइबर ब्रॉडबैंड से रिलेटेड बात करें, तो वहां पे कस्टमर्स के लिए ऑफिशियल रिलीज आ चुकी है। क्योंकि पहले जो था वो सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए, आप 5G यूजर हैं तभी आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अब जियो धन धनातन ऑफर में अपडेट किया गया है जिसमें कि आपको 50 दिन फ्री, मतलब आपको ब्रॉडबैंड सर्विस मिलती है। आप 6 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 50 दिन फ्री दिया जाएगा। पहले ये सिर्फ 5G यूजर्स के लिए था, अब ये नॉन 5G यूज है, मतलब 4G यूज आप कर रहे हैं जियो का सिम, तब भी आप इस ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करी जाए तो पुराने कस्टमर जियो धन धनातन ऑफर का एंजॉयमेंट या वाउचर लेना चाह रहे हैं तो उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, और आप पुराने कस्टमर में प्रीपेड कस्टमर है या पोस्टपेड कस्टमर है तो किन कस्टमर्स को एक्चुअली जियो धन धनातन ऑफर का एंजॉयमेंट मिल पाएगा या वाउचर मिल पाएगा, उसके बाद वो यूज कर पाएंगे। क्योंकि ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर देखने के लिए मिलता है। स्टार्ट जो हुआ है वो एक्चुअली 15 मार्च 2024 से हुआ है, लेकिन जो स्टार्ट होता है ये 16 मार्च 2024 से होता है। एक सबसे बड़ी डेट का कंफ्यूजन बहुत है इसमें, और जो इसकी मतलब लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है। तो आपने इसके बीच में या कनेक्शन 15 मार्च के बाद जो आपने कनेक्शन लिया है और 30 अप्रैल से पहले जो आप कनेक्शन लेंगे तो आपको जियो धन धनातन ऑफर का एंजॉयमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा यह है, जो पुराने कस्टमर हैं जो ऑलरेडी 6 महीने से 3 महीने से जैसे मेरी तरह, तो उन्हें ये प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब कुछ अभी डिटेल में बात करेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। और आप भी चाहते हैं जियो धन धनातन ऑफर का एंजॉयमेंट लेना, क्योंकि इतनी सारी सर्विस आपको मिलती है, मतलब 599 रुपये आपको पे करने होते हैं प्लस 18% GST, मतलब ये प्लान जो है वो आपको 707 रुपये के करीब का पड़ता है, और उसके बाद आपको जियो धन धनातन ऑफर भी इसके साथ मिल जाता है। लेकिन जियो धन धनातन ऑफर में किस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है वो सब कुछ जानेंगे, और आप अभी बुक कर सकते हैं जियो एयर फाइबर। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहां आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी कस्टमर सर्विस मिलती है और बहुत ज़्यादा ऑफर अभी देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं सीधे लाइफ टाइमों पर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे सारी डिटेल, यहाँ पे क्या नया आपको देखने के लिए मिलता है जियो फाइबर में और फाइबर में। और ये IPL सीजन चल रहा है तो जियो धन धनातन ऑफर देखने के लिए मिलता है 50 डे फ्री, क्योंकि इसमें अपग्रेड किया गया है अभी रिसेंटली। तो पहले जो था वो आपको सिर्फ 5G यूजर्स के लिए देखने के लिए मिलता था, तो यहाँ पे आपको 50 दिन का ऑफर दिया जाता है और तब आप नया जियो एयर फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं। पहले ये सिर्फ जियो ट्रू 5G मोबाइल फोन के लिए था, बट अब ये 4G यूजर हैं जियो के, तो वो अपने जियो नंबर से रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उन्हें ये 50 दिन का फ्री वाउचर मिलेगा जो कि ऑटोमेटिकली उनके जियो अकाउंट में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप पहले से जियो एयर फाइबर के या जियो फाइबर के यूजर हैं तो वहाँ आप भी एप्लीकेबल हैं कि आप 50 दिन का फ्री ऑफर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब फाइबर के लिए, जियो और फाइबर के दोनों के लिए, और साथ में OTT बंडल भी मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एडवांस एनुअल प्लान लेना पड़ेगा। मतलब मैं आज इस ऑफर को देख के 1 साल के पहले मतलब एडवांस पैसे दे दूं, वैसे भी मुझे वहां पे मैं तब 1 साल का रिचार्ज करवाऊंगा तो 1 महीने का तो वैसे भी मुझे एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। अब सबसे बड़ी दुविधा यह है, तब मैं 1 महीने का मुझे मिल रहा है तो सिर्फ मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ कि 20 दिन अराउंड और एक्स्ट्रा और 1 साल के लिए रिचार्ज में करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, वो भी 1 साल का। हाँ, 6 महीने का होता तो समझा भी जाता, लेकिन 1 साल का एडवांस रिचार्ज रियली कि वैसे तो बेनिफिट मिल ही रहा है आपको, और 50 दिन और ऊपर से दिवाली ऑफर आ जाते हैं और दोबारा से IPL आएगा तो दोबारा से ऑफर मिलेगा, तो इस तरीके का मतलब एनुअल वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। यही है कि आप 1 साल का एडवांस, मतलब मैं बात करूं आप 700 बेसिक प्लान 599 वाला भी चला रहे हैं, 707 इंटू और मैं 12 मंथ की बात करूं तो 8484 रुपये, जो आप नॉर्मली 700 रुपये पे कर रहे हैं तो उसके लिए आप एडवांस में 8000 रुपये देते हैं, और उसमें आपके जो बचते हैं वो 1400 नहीं बचेंगे क्योंकि 10 दिन कम है, तो उसमें से 10 दिन माइनस कर लीजिए तो अराउंड आपके 140 रुपये कम हो जाते हैं, तो 1300 रुपये का बेनिफिट मिलता है 1 साल का रिचार्ज करवा के। बट ऑलरेडी आप 1 महीने का फ्री देते हैं फाइबर पे, एयर फाइबर पे। अभी प्लान जैसे मैं मेरा 6 महीने खत्म हो जाएगा तब मैं रिचार्ज करवाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंथली के हिसाब से बेनिफिट मिलता है या ईयरली के हिसाब से। लेकिन कोई फायदा नहीं है आपका कि आप जियो धन धनाधन ऑफर के लिए
एक साल का प्लान स्पेशली करवा रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड से करवा दूंगा, उससे ज़्यादा इसकी ईएमआई महंगी चली जाएंगी, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। जैसे ही आप कोई ईएमआई जनरेट करते हैं 199 रुपये का, तो बिल वैसे ही थमा देंगे, उस पर जीएसटी थमा देंगे, और फिर पूरे 12 महीने उस पर इंटरेस्ट लगा लगा के, मतलब वो 1000 रुपये तो वैसे ही आपसे उगाही कर लेंगे, तो कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। एक साल के पुराने कस्टमर्स के लिए कहूँ, जो ईयरली रिचार्ज करवाते हैं उनके लिए हैं, लेकिन अभी मेरे पास 2 महीने पड़े हैं और अभी मैं 1 साल का एडवांस रिचार्ज करवा लूँ, तो ये चीज बेकार लगती है। फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि अब 4G और 5G दोनों यूजर्स के लिए हैं, तो बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप अभी नया कनेक्शन लेते हैं, यहाँ पे 12 मंथ नहीं लगना चाहिए था, न्यू कनेक्शन लिखना चाहिए था। जैसे कि 599 वाला लेंगे तो 99 का वाउचर मिलेगा, और आप 899 का लेते हैं तो 1499, मतलब अपग्रेडेड प्लान मिलता है 50 दिन का जो वाउचर है। और यहाँ पे जो आप 1 साल का प्लान करवाते हैं, क्योंकि मैं बात करूँ जियो एयर फाइबर में, अब आपको प्रीपेड कनेक्शन नहीं मिलते। जैसे कि आप 1 साल का रिचार्ज करवाते हैं 599 वाला, तो पोस्टपेड में आपको 999 रुपये का वाउचर मिलेगा, प्रीपेड यूजर्स को नहीं मिलेगा। 899 करवाते हैं 1499 का मिलेगा, लेकिन प्रीपेड यूजर को नहीं मिलेगा। तब आप 999 का रिचार्ज करवाते हैं तो पोस्टपेड यूजर्स को मिलेगा और प्रीपेड यूजर्स को भी मिलेगा 50 डेज। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेशन कर रखा है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे एक बेनिफिट किस तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वाउचर मिल रहा है इतने का, लेकिन यहाँ पे अमाउंट और डेज मतलब दोनों इक्वली होंगे, मतलब इन्हें भी इतने का ही मिलेगा। मैं ये सोच रहा शायद 50 दिन दिया जा रहे हैं, लेकिन दोनों का इक्वली, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है। तो इस तरीके से डिवाइडेशन कर रखा है। तो आप प्रीपेड यूजर हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी जियो फाइबर का प्रीपेड यूजर हूँ, तो मैं वहाँ पे 1 साल के रिचार्ज की बेनिफिट की बात करूँ तो कोई फायदा नहीं है। ऊपर से मिनिमम 599 वाला, और प्रीपेड यूजर्स के लिए कोई मैंडेटरी नहीं था कि आप सेटअप बॉक्स लें, तो मतलब कोई कनेक्शन आप प्रीपेड यूजर हैं तो आपके लिए है ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम 599 वाला और उसमें 399 वाला प्लान ऑलरेडी चल रहा है। और बात करें डिटेल में कि क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो ये मतलब स्टार्ट जो होता है वो 16 मार्च से होता है और 15 मार्च मिड नाइट से, इसलिए मैं कह रहा था कि 14-15 वाला गेम इसमें चल रहा है। और यहाँ पे आपको वही टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि ऑफिशियल रिलीज है जियो की, तो इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है और साथ में OTT बंडल भी मिल जाता है। और आप जो वाउचर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको वाउचर मिलेगा वो 2 साल तक के लिए रहेगा, 2 साल के बाद वो एक्सपायर होगा, तो आप उस वाउचर को कभी भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करी जाए तो जो आपके मोबाइल पे मतलब सब पे नोटिफिकेशन तो नॉर्मली आ ही जाएगा, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली के, तब आप पोस्टपेड यूजर हैं और आप रिचार्ज नहीं करवाते तो वो ऑटोमेटिकली के ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 50 दिन फ्री का वाउचर देखने के लिए मिल जाता है, क्रेडिट जो है वो आपके जियो अकाउंट पे हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि बात करी जाए तो 12 मंथ का करवाते हो OTT बंडल, और साथ में इसमें आपको दोनों डिस्काउंट देखने के लिए मिलते हैं। और सब कुछ मतलब इसी तरीके से डिटेल है जो मैंने नीचे बताया भी था आपको बेनिफिट की बात। और यहाँ पे ये जो प्लान है वो 30 अप्रैल 2024 तक है, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, और स्टार्टिंग जो हुई है वो यहाँ से हुई है। तो इस तरीके के बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सब कुछ आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या मैं मतलब जियो धनधनाधन ऑफर के लिए स्पेशली 1 साल का रिचार्ज करवाऊं या नहीं करवाऊं। और याद रखिएगा डिस्काउंट नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब आपको मिलता है तो आप ही यूज करेंगे, आप आगे उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जियो ने अपने 4G के टाइम पे सीख लिया था, क्योंकि तब वाउचर दिए थे उसे ट्रांसफर कर सकते थे। तो मैंने भी बहुत किया कि दूसरे मोबाइलों से ट्रांसफर कर करके अपने पास एक बल्क अमाउंट रख लिया था 4G डेटा का, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।